हमारे सीनियर लीडर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी एक बहुत ही स्पेसिफिक इशू को लेके आए हैं जिसके कंट्री के पॉलिटिक्स में बहुत ह्यूज रैमिफिकेशंस हैं। डॉक्टर त्रिवेदी आप लोगों को आज उसके बारे में बताएंगे पॉइंट वाइज। एक बहुत ही सीरियस इशू है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बस सुन लें, फिर जो भी पूछना होगा मुझे बताएं। मित्रों, आज हम आपके समक्ष दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक संवेदनशील विषय के ऊपर देश का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज देश के एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र में देश के वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने एक आर्टिकल लिखा है जो उन्होंने वर्तमान समय में विश्व में सुरक्षा को लेकर हो रही गतिविधियों और भारत पर उसके पड़ने वाले प्रभाव की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। आप सभी को ज्ञात है कि एक डेढ़ वर्ष पूर्व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी की एक राजनीतिक कार्यक्रम में हत्या हुई। चंद दिन पूर्व अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हिंसा और हत्या को उकसाती हैं, ये कहीं न कहीं उन बयानों से प्रेरित हो जाती हैं जहां राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। अभी आपको ध्यान हो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना, डंडे मारना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले पे कुछ फेंका गया तो कुछ और फेंका जा सकता है, यानी फेंका जाना डर के समाप्त होने का प्रतीक है। इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के ऊपर कुछ भी होना चाहिए। याद करिए कि जिस समय प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पे गए थे 2021 में, जिस ढंग से उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति का निर्माण किया गया था। और इतना ही नहीं है, हम बहुत साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग बयानों में नहीं होना चाहिए। क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया? छुटभैये नेता नहीं थे, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे लोग थे। क्या कब्र खुदेगी, मर जा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, सर फोड़ देंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया? और यह बात सिर्फ आज की नहीं है, यह विगत लंबे समय से चली आ रही है। मोदी जी के लिए जिन लोगों ने बोटी बोटी काटे जैसे शब्दों का प्रयोग किया, वो दूसरी पार्टी से लाकर आज कांग्रेस पार्टी के सांसद बन चुके हैं। और मैं ये भी बात दुख के साथ और गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा, किसी नेता के लिए मौत के शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2007 में सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर शब्द के रूप में किया था। हमने कभी, जब आपातकाल में संविधान की हत्या हो गई थी, तब भी कभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मौत की कामना या मौत जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया था। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यह राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलवाड़ के साथ बहुत लंबे समय से होती आ रही है। मैं आप सबका ध्यान यह भी आकर्षित करना चाहूंगा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारत के ही नहीं दुनिया की इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री का एक विचित्र उदाहरण है इशरत जहां केस।
जहां उस समय तत्कालीन सरकार की दो एजेंसीज इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई दोनों ने कहा कि इशरत जहां टेररिस्ट है। जैसे ही पता चला कि उसका निशाना तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, अचानक सीबीआई ने अपना हलफनामा बदल दिया और कहा टेररिस्ट नहीं है, वो तो मासूम है। भारत के इतिहास में कभी विदाउट एनी रीजन यू टर्न लेने का कोई उदाहरण नहीं मौजूद था। और आप सबको ध्यान होगा कि जब हमारी सरकार आई और इशरत जहां मामले की फाइल तलब की गई तो पता चला फाइल गायब, और संबंधित अधिकारियों के बयान हैं कि उन लोगों ने फाइल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा था, केवल तत्कालीन गृहमंत्री ने चिदंबरम साहब ने अपने आप को नोट चेंज किया था। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया था मगर आईबी ने स्टैंड चेंज नहीं किया था। यानी आईबी पहले भी मान रही थी कि इशरत जहां टेररिस्ट है और बाद में भी मान रही थी इशरत जहां टेररिस्ट है, सीबीआई पहले मान रही थी टेररिस्ट है मगर बाद में कहने लगी नहीं है। अर्थात दुनिया के इतिहास का इकलौता उदाहरण जहां एक ही सरकार की दो एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। एक एजेंसी कह रही है कि टेररिस्ट है, अमुक व्यक्ति ये करे नहीं, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या के इरादे से जाते हुए किसी टेररिस्ट को बचाव देने के लिए, कवर फायर देने के लिए किस सीमा तक जाया जा सकता है, ये उसका दुखद उदाहरण है। आप सबको याद हो 24 अक्टूबर 2013 को पटना की रैली में सीरियल ब्लास्ट हुए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं क्या सुरक्षा व्यवस्था थी? नरेंद्र मोदी जी को जेड प्लस सिक्योरिटी थी, और उसी सभा में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी थे, उनके पास भी जेड प्लस सिक्योरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। दो दो नेता जिनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उसके लिए केंद्रीय सरकार ने क्या व्यवस्था की थी? इसलिए सुरक्षा और नेताओं की जान की कीमत पर राजनीति होनी चाहिए। इसके उलट हम बताते हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा निकली, उनके पास भी जेड प्लस सिक्योरिटी है। कश्मीर में आप सबने देखा कि कितने मधुर मनोभावों के साथ भैया और बहन बर्फ के गोलों के साथ खेल रहे थे उस संवेदनशील जगह पे, केंद्र सरकार ने व्यवस्था सुनिश्चित की। मणिपुर जैसी जगह पे जहां इतना संवेदनशील है, उनकी यात्रा निकली और पूरा रूट सैनिटाइज करना और सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में राजनीति अपनी जगह है, नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था संसद में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। यदि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वैसे तो आप सबने सुना होगा जीत का जश्न होता है, जीत का उत्साह, मगर यहां हार का उत्साह है, तो उस हार के उत्साह में मैं कहूंगा उत्साह से उच्छंखलता, उच्छंखलता से उद्दंडता की तरफ मत जाइए, परिपक्वता का प्रदर्शन करिए। इसलिए मैं पुनः जहां से मैंने प्रारंभ किया था वहीं पे सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग, किसी के प्रति आक्रमण, मारना पीटना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। क्योंकि याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मैं सभी दलों से यह आग्रह करता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप एहसास कमतरी से वाबस्ता हैं, माना, आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में द्वेष है, आपके मन में कुंठा है, मगर उस कुंठा को हिंसा और मौत जैसे शब्दों तक ले जाने से बचिए। अन्यथा मैं एक पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहता हूं, जो सभी नेताओं के लिए जो मोदी जी के लिए नफरत रखना चाहते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि देश के सौहार्द वातावरण में कोई प्रोवोकिंग बात नहीं करनी चाहिए। कि कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के चूंकि तुम नशे में हो। तो ये हार के उत्साह के नशे से बाज आइए
और समझदारी के साथ आचरण दिखाइए। धन्यवाद। I just in the outset I will tell you we'll only take questions regarding this topic, taking the seriousness of the topic. So anybody has to ask anything. आप प्रिजम्पशन का विषय यह है कि जब आप इस प्रकार का वातावरण बोलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि नफरत की दुकान में कौन कौन से जहर बुझे सामान है? ये मोहब्बत की दुकान में ही हत्या और हिंसा शब्द आ रहे हैं, आधा दर्जन हत्या रिलेटेड वर्ड हैं। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि इस गंभीरता को समझें, और अगर कोई नेता इसको नहीं समझ रहा तो मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति में नेतृत्व करने के योग्य नहीं। रविंदर भाई, देखिए किसी भी विषय के दो पक्ष होते हैं, एक होता कानूनी पक्ष और एक नैतिक पक्ष, लीगल और मॉरल। हम ये कहना चाहते हैं लीगल स्टेप्स कितने भी आप ले लीजिए, मगर समाज में जो व्यवस्था चलती है वो मॉरल पैराडाइम के बेस के ऊपर चलती है। इसलिए राजनीतिक दलों का उत्तरदायित्व नैतिक आधार पर जवाब देना है, और विशेषकर ये तो जब आप बताते हैं कि इस देश में तो ऐसी घटनाएं पहले कई बार हो चुकी हैं, और वो लोग जब ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है छोटी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंसा को बढ़ावा देने वाली बातें मत करिए। हमास के समर्थन में रैली से लेके और बयानबाजी से लेके आप, मैं एक वाक्य में कहना चाहूंगा, अभी तक आप अलगाववादियों और आतंकवादियों का समर्थन करते हुए नजर आते थे, अब अलगाववादियों और आतंकवादियों की भाषा प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। तो बस आप समझ सकते हैं कि अगर कोई अलगाववादियों और आतंकवादियों की भाषा प्रयोग करने लगेगा तो देश के लिए कितना चुनौतीपूर्ण और खतरनाक है, इसके लिए हम आगाह करना चाहते हैं। सुधांशु जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक मानसून ऑफर दिया है और उन्होंने कहा कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, जो यूपी में बीजेपी में चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा ऑफर दिया, वैसे हमारा विषय इस समय इसी विषय पे, फिर भी मैं आपको उत्तर दे देता हूं। मैं उनसे कहना चाहूंगा 100 लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ। जिस वोट बैंक के चक्कर में दो लड़के साथ आए थे, अब एक लड़का बड़का हो गया है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गया है, अपना वोट बैंक बचाओ, बाद में आकर यहां ज्ञान बखारो। थैंक यू। देखिए ये एक प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है, कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने तो, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो तो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाईकोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लव जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं। थैंक यू।